कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब एक सप्ताह से भी कम समय रह गया है, जिसको लेकर सभी पार्टियों की चुनौती भी बढ़ गई है, क्योंकि अभी तक सभी पार्टियों ने कर्नाटक की जमीन पर जो काम किया ये वक्त उसका क्रेडिट लेने का है। और यही वक्त है जब सभी पार्टियां वोटर्स को रिझाने के लिए अपना सब कुछ झोंक देती है, क्योंकि ये निर्णायक वक्त होता है जब वोटर्स कोई फैसला लेते हैं, और इसी वक्त को सभी पार्टियां जो भी रण में है वो भुनाना चाहती है, जिसके लिए वो कोई भी कसर छोड़ने को तैयार नहीं। लेकिन कर्नाटक के इस रण में फिलहाल दो ही दावेदार बड़ी ही प्रमुखता से खड़े दिखाई दे रहे हैं, और दोनों के पास जो चुनौतियां हैं वो एकदम अलग अलग हैं। तो वहीं इस रण का तीसरा दावेदार अभी मौके की तलाश में है, और वो इस सांप सीढ़ी के खेल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की किसी एक गलती की तलाश में है। और ये तीसरा दावेदार है जनता दल सेक्युलर, जिसको इस बात का इंतजार है कि किसके कंधे पर रखकर बंदूक चलानी है। जनता दल एस का मतलब साफ है, जो कर्नाटक में किंग नहीं किंग मेकर की भूमिका चाहती है, और जेडीएस की इच्छा पूर्ति इस बात पर निर्भर करती है कि इस रण के प्रमुख दावेदार यानी कांग्रेस और बीजेपी अपनी चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियां वोटर्स को रिझाने के लिए बड़े बड़े वादे कर चुकी है। क्योंकि राज्य में इस समय जितने विवादित मामले थे अब उतने मुद्दे ही नहीं बचे हैं। एक तरफ बीजेपी सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ऐसी जमीन पर चल रही है जो उसके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जिस आरक्षण नीति के मुद्दे को लेकर इस रण में उतरी थी वो फिलहाल ठंडे बस्ते में है। अब इस बात से ये तो साफ हो चुका है कि तीनों पार्टियों के सामने चुनौती है, लेकिन इस चुनौती में भी तीनों बड़ी ही सावधानी से कर्नाटक की जनता का दिल और दिमाग दोनों ही जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटक की जनता का दिल और दिमाग जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि 1985 के बाद यानी पिछले 38 सालों में कर्नाटक के मतदाताओं ने लगातार 5 साल से ज्यादा किसी भी पार्टी को कर्नाटक की गद्दी पर बर्दाश्त नहीं किया है, और इस बात की चिंता बीजेपी के लिए सिर का दर्द बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी कर्नाटक में भी रिवाज बदलने की बात ठीक वैसे ही कर रही है जैसे हिमाचल में की थी, लेकिन बीजेपी वहाँ पर रिवाज नहीं बदल पाई थी। ठीक वैसा ही रिवाज कर्नाटक में भी है जो 38 साल पुराना है, और बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि कर्नाटक में सरकार को कैसे बचाया जाए। लेकिन 10 मई को होने वाला मतदान ये साफ कर देगा कि अगले 5 साल कर्नाटक में कौन राज करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया डिजिटल।